हेलो दोस्तों कैसे हैं सब तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं छोटा नागराज का तीसरा भाग दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे और क्लासेस क्लोन्स का शिकंजा दुनिया के वर्किंग सिस्टम पर कसता जा रहा था दो विधायक वाले खीसराम यादव राज्य के मुख्यमंत्री बने उनकी दो विधायक वाली पार्टी को दूसरी पार्टियों के बावन विधायकों का समर्थन प्राप्त है उन्होंने अपना सलाहकार पंद्रह वर्ष के एक लड़के को नियुक्त किया बायोटेक लैब ने अपना सीईओ 16 वर्ष के रघुपल को बनाया है दुनिया की 20 सबसे बड़ी कंपनियों में से 12 के एमडी 18 वर्ष से नीचे के बालक या बालिका हैं कमाल है एकाएक ये सुपर इंटेलिजेंट बच्चों की फौज कहां से आ गई कल एक बच्चा मुझसे भी मिलने आया था भारतीय कम्युनिकेशन का एम बनने के लिए आखिर कौन है ये बच्चे ये बच्चे खास अनाथालय के हैं इनको डीन नाम के एक स्वयं सेवी चलाते हैं उन्होंने ही एक ऐसी क्रांतिकारी पढ़ाई का तरीका इजाद किया है जो बच्चों को ज्ञान का भंडार बांटता है मैंने भी एक महीने पहले वहां के एक बच्चे को टीचर नियुक्त किया था अब उसकी काबिलियत के कारण मैं उसको स्कूल का प्रिंसिपल बनाने जा रहा हूँ कमाल है तब तो मुझे भी उस बच्चे से मिलना चाहिए था जो ऑफिस में आया था पर नागराज की सलाह के बगैर मैं उसको कोई भी पद नहीं दे सकती और नागराज को लापता हुए आज एक महीने से ज्यादा समय हो गया है अब तो मुझको चिंता हो रही है क्योंकि आज तक नागराज बगैर किसी सूचना के इतने दिनों तक गायब नहीं रहा मुझको भी इतने दिनों से नागराज का कोई पता नहीं मिला है नागराज जरूर कोई खतरे में है पर मैं क्या करूं किससे सलाह करूं सिल्लू यस सिल्लू मेरी मदद जरूर करेगा और फिर और अब हमारे करंट सुपर चाइल्ड सेक्शन में एक और धमाते धमाकेदार न्यूज फ्लैश आया है विश्व सूत्रों के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपना सुरक्षा सलाहकार सत्रह वर्ष के एक युवक को नियुक्त करने का फैसला लिया है अब तो अमेरिका में यह बहस भी चल पड़ी है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की आयु को वर्तमान 45 से घटाकर 15 कर दी जाए ये ले सिल्लू तू अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझता था ना पर अब तो यहाँ पर तेरे कई बड़े भाई पैदा हो गए और वह भी सब महत्वपूर्ण पदों पर तू तो घास ही खोदता रह गया सिल्लू तुमसे मिलने विशांक आया है हाँ? विशांक यहाँ कैसे आज होमवर्क नहीं मिला है क्या मजाक मत कर गुरु मैं नागराज के लिए परेशान हूँ नागराज अब तक तो वापिस नहीं आया कोई खबर तक नहीं आई तब तो मामला सीरियस है पर हम तो बच्चे हैं और वह भी मामूली बच्चे वो टीवी वाले सुपर बच्चे तो हो हम है नहीं फिर हम करें क्या कुछ तो करना पड़ेगा मैंने नागराज को दुनिया के हर कोने में ढूंढ लिया है पर वह कहीं नहीं मिला एक मिनट एक मिनट मैं ठीक तो सुन रहा हूँ ना तुमने नागराज को पूरी दुनिया में ढूंढ लिया है पर कैसे लगता है मुझको सच बोलना ही पड़ेगा पर पहले प्रॉमिस करो गुरु की तुम ये बात किसी को नहीं किसी से नहीं कहोगे नहीं कहूंगा पर ऐसा कौन सा सच है जो तूने अब तक मुझसे यानी अपने गुरु गाइड और दोस्त से छुपा कर रखा है मुझ मुझ में कोई शक्तियां अपने मानसिक रूप को कहीं भी भेज सकता हूँ मोटी से मोटी किताब को भी कुछ ही शक्ति को मैं हथियार की तरह भी इस्तेमाल कर सकता हूं। लगता है आज मेरे भविष्य में सुपर बच्चों के बारे में जानना लिखा है ऐसी मेरे पास और भी शक्तियां हैं जिनका अभी मुझको भी पता नहीं है मैंने ऐसी ही मानसिक शक्ति से पूरे अंटार्कटिका पर नागराज की खोज की थी पर नतीजा जीरो निकला पर नागराज ऐसे कहाँ गायब हो सकता है कोई ना कोई निशान तो जरूर होगा ना याद करो विशांक याद करो तुमने कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर देखा होगा जो हमारी मदद कर सके मैंने जो कुछ भी देखा था वह अभी भी मेरे दिमाग में छपा हुआ है मैं एक बार फिर से उस पूरे दृश्य को छानता हूँ विशांक के दिमाग में अंटार्कटिका की खोज के एक बार अंटार्कटिका की खोज एक बार फिर घूमने लगी और ओह तुम ठीक कह रहे थे सुल्लु गुरु इस बार मैंने एक नई चीज नोटिस की है बर्फ के एक ढेर के पीछे कोई छुपा हुआ था एक सुपर चाइल्ड हाँ गुरु बिल्कुल मेरे टीचर जैसा सुपर चाइल्ड और वो भी छुपा हुआ यानी उसके इरादे ठीक नहीं थे यानी इन सुपर संबंध नागराज के गायब होने से है देखा हमको एक सूत्र मिल गया ना चल सेलिब्रेट करते हैं डोमिनो से पिज्जा मंगाते हैं साथ में कोक फ्री थैंक यू गुरु आज पहली बार भूख लग रही है नागराज के गुम होने ने तो मेरी भूख प्यासी उड़ा दी थी और फिर हाँ अब दिमाग चल रहा है सुन अगर सुपर चाइल्ड में नागराज को गायब किया है तब तो गड़बड़ है उन्होंने कैसी गड़बड़ उन्होंने दुनिया की सारी पावर अपने कब्जे में ले ली है ऐसे में अगर हम उनके खिलाफ गए तो वे हमको मार भी सकते हैं और कुछ और कोई कुछ पूछेगा भी नहीं लेकिन अगर उनको पता ही ना चले कि हम कौन है तो ऐसा कैसे हो सकता है हमने अगर सुपर किड्स का रहस्य जानने की इतनी सी भी कोशिश की तो वे किसी ना किसी तरह हमको ढूंढ ही लेंगे लेकिन अगर हम ये काम कोई और बनकर करें तो क्या होगा तुम्हारा मतलब यस गुरु हम सुपर हीरो की तरह अपनी एक सीक्रेट आइडेंटिटी बनाएंगे एक गुप्त रूप और अगर सुपर किड्स का कुछ पता चला भी अगर सुपर किड्स को कुछ पता चला भी तो वे हमारे गुप्त रूप को ढूंढते रह जाएंगे जैसे अभी हम नागराज को ढूंढ रहे हैं नागराज का भी कोई गुप्त रूप जरूर होगा कहीं वो अपने गुप्त रूप में हमारे आसे पास तो नहीं है नहीं सिर्फ वह कोई भी रूप धरले पर अपनी मानसिक तरंगों को नहीं छुपा सकता ना मुझे अपनी मानसिक तरंगों का भी कोई पता नहीं चला ओके यानी तय हो गया कि हम एक गुप्त रूप बनाएंगे और सुपर का राज जानकर नागराज को ढूंढने की कोशिश करेंगे यानी हम सुपर हीरो बनेंगे। याहू। पर मैं सुपर हीरो हीरो बनेंगे पर मैं कैसे बनूंगा मेरे पास तो कोई पावर भी नहीं है बगैर पावर के सुपर हीरो कैसा क्यों ध्रुव बगैर सुपर पावर के सुपर हीरो है ना उसके पास भी सिर्फ वही है जो तुम्हारे पास है गुरु तेज दिमाग अब हमको जरूरत है सिर्फ नई पोशाकों की और एक नए नाम की दुनिया के सिस्टम पर कस्ते सुपरफिट के शिकंजे का असर अब सामने दिखने लगा था दुनिया अब छटपटाने लगी थी ए लूट मची है क्या अभी एक हफ्ते पहले ही तो मैं इस दवाई को दो सौ रुपए में ले गया था हमें इतिहास मत पड़ा आज इस दवा की कीमत पांच सौ रुपए है लेनी हो तो लो वरना चलता बन अरे दवा कंपनी ने ही दाम बढ़ा दिया तो हम क्या करें पर पर इस दवा के बगैर तो मेरा बच्चा मर जाएगा ऐसा मत करो मेरे पास पैसे नहीं है दवा दे दो तेरे बच्चे की जान बचाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा भाई जा जा अपना काम कर मेरे बच्चे से पहले तू मरेगा अगर तूने दवाई नहीं दी तो मारो इसे और लूट लो सारी दवाइया जब मनाया तब दाम बढ़ा दिया मचा रखी है ने ए, ए। जब से ये सुपर किड्स आए तब से हम गरीबों का जीना मुश्किल हो गया है हर चीज को धंधा बना लिया इन लोगों ने हमारे पास भी इसका जवाब है खरीद ना सको तो लूट लो पुलिस यहाँ पब्लिक मेरी दुकान लूट रही है हाँ जी करजन रोड पर पारस मेडिको जल्दी आइए थी सभी दो वरना दंगा? हम दंगा नहीं कर रहे अन्यथा अन्याय का जवाब दे रहे हैं वैसे तो ये काम नागराज बखूबी करता था पर उसकी अनुपस्थिति में ये काम हमको खुद ही करना पड़ा अरे ये क्या समझेगा ये भी तो एक सुपर किडी है उसी का भाई बंद जिसने दवा कंपनी का एमडी बनकर दाम बढ़ाए मत सुनो इसकी इसकी सुनी तो हमारे परिवार बीमारी से मर जाएंगे तो फिर मरो मैं शहर की कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दूंगा शूट देखा अब दुनिया का सिस्टम काफी हद तक हमारे कब्जे में आ चुका है पुलिस पॉलिटिशियन इंडस्ट्रियस्ट इंडस्ट्रियल इंडुस्त्रिय, इंडस्ट्रियलिस्ट सॉरी गाइस जैसे, जैसे हर महत्वपूर्ण पद पर हमारे सुपर किड्स बैठे हुए हैं अब दुनिया वाले से बगावत कर सकते हैं लेकिन उस स्थिति में भी वे अमर किड्स से जीत नहीं सकते नागराज को पहले से ही रास्ते से हटाया जा चुका है अब दुनिया वालों को हमारे शिकंजे से कोई नहीं बचा सकता तो किल। नहीं अपने गलत कानून के अनुसार भी तुम तो इनको मार नहीं सकते सिर्फ गिरफ्तार कर सकते हो और उसके बाद तुमको इन्हें जमाने पर छोड़ना पड़ेगा तुरंत कौन हो तुम तुम्हारे दुश्मन छोटा नागराज और साइब्रो अरे वाह मैं तो बिल्कुल सुपर हीरो की तरफ बोल रहा हूँ ओ दो नए सुपर हीरो लगता है तुम लोग कॉमिक को ज्यादा ही पढ़ते हो पर बच्चे ये कॉमिक नहीं असलियत है और असलियत में सबसे पहले सुपर हीरो मारे जाते हैं पहले इन दोनों को खत्म करो इसके बाद दंगाइयों का नंबर लगाना गोलियों की दौड़ती दीवार छोटा नागराज साइब्रो की तरफ लपक पड़ी छोटा नागराज किस मुसीबत में फंसा दिया तूने अरे ये फिल्म वाले नकली कारतूस नहीं असली गोलियां हैं घबराओ नहीं सिल मतलब साइप्रो इनको रोकना मेरे बाएं हाथ का काम है आश्चर्यजनक दृश्य था गोलियां हवा में ही थम गई और फिर एक इशारे से ही जमीन टनाटन तन की आवाजों से गूंज उठी टन ठन 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 ठना ओ इनमें कोई कोई अद्भुत शक्ति है लेकिन पुलिस के काम में अड़ंगा डालकर तुमने तो कानून को तोड़ा है गिरफ्तार कर लो इन दोनों को और बाकी सुपर हीरो की तरह इनको भी जेल में डाल दो अच्छा यानी बाकी सुपर भी कैद में है शायद वे तुम्हारी असलियत नहीं जानते इसलिए कानून के दायरे में रहकर वो तुम्हारी बात मान रहे हैं वरना जेल से बाहर निकलना उनके लिए पलक झपकने जैसा काम है पर हम जानते हैं कि तुम कानून को कठपुरी की तरह न चाह रहे हो और इसलिए हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे साइब्रो अब तुम्हारी बारी है ओके छोटू ओके छोटे नागराज अब देखो साइब्रो के दिमाग का कमाल घर ए ये आवाज कैसी है लगता है जैसे कि कहीं कोई ट्रक स्टार्ट हुआ हो सही समझे थोड़ा गलत ये ट्रक नहीं कार स्टार्ट हुई है बस इसमें इंजन मिनी ट्रक का लगा हुआ है और हाँ इसमें रडार रबर बुलेट गन और बुलडोजर मोड जैसे यंत्र भी लगे हैं और इन सब यंत्रों को साइब्रो कंट्रोल करता है आओ बचाओ कैसे बचे ये कार तो जैसे हमको देख ले रही है जिधर जाओ उधर ही घूम जा रही है तुझे तो सिर्फ देख रही है पर मुझे तो रबर बुलेट भी मार रही है पुलिस वाले बिजी हो गए थे अब सुपर किड और छोटा नागराज आमने सामने थे लगता है मुझे तुमको अपने हाथों से या तो गिरफ्तार करना पड़ेगा या फिर खत्म करना पड़ेगा ये तो समय ही बताएगा फिलहाल तुम तो मुझको ये बताओ कि नागराज कहां है नागराज मुझे लगता है कि तुमको जरूरत से ज्यादा जानते हो गिरफ्तारी वाला आइडिया कैंसिल करना पड़ेगा तुझको मारना ही पड़ेगा बहुत ताकत है इस लड़के में और फुर्ती भी मुझको भी ऐसा ही वार करना पड़ेगा जो इतना ही तेज और शक्तिशाली हो क्राक। कुछ भी कर ले बच्चे आज तेरा निश्चित है सुपर किड्स को कोई नहीं रोक सकता वी आर अनस्टॉपेबल यही बात हम छोटा नागराज के बारे में भी कह सकते हैं यही बात तुम छोटा नागराज के बारे में भी कह सकते हो ये इतनी बड़ी चोट को इतनी आराम से कैसे सह गया हाथ की हड्डी चटकने की आवाज तो मैंने सुनी थी सुनी है अब वार करने का तरीका बदलना पड़ेगा हथकड़ी अपने आप जेब से बाहर निकलकर सुपर की कलाई पर आ खसी और उसका दूसरा छोर खंबे को पार करता हुआ दूसरी कलाई पर कस गया ओह टेलीकाइनेसिस मानसिक शक्ति द्वारा वस्तुओं को चला सकने की शक्ति लेकिन इस हथकड़ी को तोड़ने में मुझको एक पल भी नहीं लगेगा वह पल तुमको नहीं मिलेगा अब बताओ कहाँ है नागराज वरना बिजली के खंभे की यह कुंडली तुम्हारी हड्डियों को चूर चूर कर देगी आ क्या बक रहे हो तुम कौन नागराज कैसा नागराज बन रहे हो तुम पर मुझको सच सम्मोहन चलाना आता है आह मुझको और शक्ति लगानी पड़ेगी दोनों प्रतिद्वंदी एक दूसरे को सम्मोहित करने की कोशिश कर रहे थे छोटा नागराज का पूरा ध्यान सम्मोहन चलाने में था और अनुभव की यही कमी उसके लिए जानलेवा सिद्ध होने वाली थी क्योंकि वह यह नहीं देख रहा था कि हटकड़ियां टूट चुकी हैं और सुपर सुपरकिड का हर बिजली के खंभे पर चढ़ता जा रहा है खंबे के शिखर पर लगी लाइट तेजी से नीचे झुकी और बिजली के तेज झटके ने छोटा नागराज के पूरे दिमाग को हिला डाला हा 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 हा। सुपर सुपरकिट हर दाव जानते हैं सुपर हीरो के बच्चे चाहे वह छल हो या बल अब तेरी जान मेरे जूते के नीचे है वह दबाव छोटा नागराज की सांस की नदी को तोड़ डालने के लिए काफी था लेकिन उससे पहले ही सुपर किट की पसलियां टूट गई आओ छोटे नागराज आह मेरा सिर और फिर वह कार अंधेरी की गहराइयों में गुम हो गई भाग गए पर भाग कर जाएंगे कहाँ आज से सिक्योरिटी का एक एक जवान सिर्फ दो लोगों को ही ढूंढेगा साइब्रो और छोटा नागराज को अब कैसा लग रहा है विशांक ठीक हूँ गुरु पर अपने सुपर हीरो वाले काम की बोनी खराब हो गई मैं तो फिट गया पहली बार सभी के साथ ऐसा ही होता है लेकिन तुमने सुपरकुट को भी हिला डाला था यार अब वे हमारे बारे में सीरियस होकर सोचेंगे अब एक महत्वपूर्ण सूचना दो खूंखार बाल अपराधी पुलिस को चकमा देकर भाग निकले इनके नाम छोटा नागराज और साइब्रो इनके बारे में कोई भी पक्की सूचना दिए जाने पर पचास हजार रुपए का इनाम है आप इनको देखते ही पुलिस को या अपने निकटतम तुम सुपरकिड को सूचित करें लो हम तो बगौड़े हो गए हम नहीं हमारे गुप्त रूप अब हमको हर कदम फूक फूक कर रखना पड़ेगा कहीं पूरी ही फूक ना सरक जाए मुकाबला सुपरकिट्स की पूरे सेना के साथ है ये सुपर किट की क्या बातें हो रही हैं वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सच पूछो तो पूरी दुनिया को आज वही चला रहे हैं पर तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो सिल्लू विशांग को छोड़ने आया था मेरा मतलब लेने आया था यानी क्या बोल रहे हो रात को ठीक से सोए नहीं हो क्या विशांग की आंखें भी लाल लग रही है जरूर तुम दोनों रात भर जगे हो सच बोलो वरना नाश्ता नहीं मिलेगा ये तो बिजली का झटका खाकर खूब सोया दीदी पर मैं नहीं सो पाया अब बताइए नाश्ते में क्या बनाए तुम दोनों की बातें तो मेरी समझ से बाहर हैं आओ फटाफट तैयार होकर नाश्ता कर लो अब हम क्या करेंगे अगर किसी सुपर किड के पास भी गए तो वो हमारे हुलिए से ही समझ जाएगा कि हम ही छोटा नागरा जो साइबरों हैं वे बहुत इंटेलिजेंट हैं बाद में सोचेंगे गुरु फिलहाल तो मुझे स्कूल जाना है वरना वो नया सुपर किड टीचर फिर मेरे पीछे पड़ जाएगा न जाने मैंने उसका क्या बिगाड़ा है तेरा टीचर चेली यस यस क्या वो भी एक सुपर किड है ना हम उस पर नजर रख सकते हैं कभी ना कभी वो ऐसी चूक जरूर करेगा जो हमको या तो नागराज तक पहुंचा सके या उनके सही इरादे बता सके गुड आइडिया गुरु आज से हम उस पर नजर रखेंगे तुम अपना स्कूल खत्म होते ही मेरे स्कूल आ जाना ओके okay, डन और फिर यार रोनी तूने एक बात नोटिस की ये पौनी टेल मौका मिलते ही नए टीचर के आसपास मनाने लग रहा है मैंने सुना है कि वो प्रिंसिपल बनने वाला है वो बड़ा कड़क है यार अगर हमारी सिगरेट वाली कंप्लेंट इसके पास पहुंच गई तो हम एक सेकंड में स्कूल से निकाल दिए जाएंगे फिर पापा के डंडे पड़ेंगे चल आज पौनी टोल को अच्छी तरह से समझा ही दे हम्म इनके इरादे नेक नहीं है मुझे इसी बात का शक था अब मैं विशाम पर पूरी नजर रखूंगी शमा के रहते यहाँ दादागिरी नहीं चलेगी रोनी फंदे वाला हिस्सा मुझे दो ये फंसा अब इसको कमर में कमर से फांसी दी जाएगी ओह एकदम से याद आया रोनी एक किताब वापस करने लाइब्रेरी जाना है म, मुझे भी एक किताब बुक करानी है चल मैं भी चलता हूँ ये तो गए पर यह चक्कर क्या है विशांग चुपचुप चुप कर उस टीचर के पीछे क्यों जा रहा है कुछ रहस्य है जरूर मुझको विशांक पर नजर रखनी पड़ेगी कहीं ये फिर से मुसीबत में ना फंस जाए क्षमा में खतरे को सूंघ लेने की अद्भुत क्षमता थी विशांग मुसीबत में ही बल्कि मुसीबतों के बड़े दलदल -दल में फंसने जा रहा था और वह भी अपनी मर्जी से कुछ पता लगा नहीं गुरु स्कूल में तो कोई भी सुपरकिट टीचर से मिलने नहीं आया यानी जो कुछ होता है वो स्कूल से बाहर होता है वो आ रहा है चल इसका पीछा करते हैं हम भी तो देखेंगे स्कूल के बाद क्या करता है यह पीछा रात ढलने तक जारी रहा सुपरकिट का पीछा भी और विशांक तथा सिल्लू का भी वह घर के अंदर जाकर फोन उठा रहा है मैं ऑटो रिसीवर को ऑन कर रहा हूँ यह हर तरह की टेलीफोनिक वेव्स को पकड़ सकता है यस सुपरकिट सेवन फाइव सिक्सर जर्नर मेमो फॉर ऑल सुपरकिट्स आज रात आठ बजे स्पेशल फाइटिंग इनिशिएशन सेशन है आना जरूरी है प्लीज कंफर्म ठीक है मैं आऊंगा ओवर एंड आउट सेशन हेडक्वार्टर नंबर चार में है गुड लक एंड ओवर हमको भी वहां जाना होगा गुरु वहां पर कई रहस्यों का पता चल सकता है पर हम जाएंगे कैसे हम तो दूर से ही पहचान लिए जाएंगे इसका तरीका भी है मेरे पास आओ मैं भी आती हूँ विशांक तू उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है हेडक्वार्टर नंबर चार एट पी एम हमको यहाँ पर बुलाया क्यों गया है मैं ना जाने कितने इंपॉर्टेंट काम छोड़कर यहाँ पर आया हूँ मुझको तो अमेरिका से यहाँ पहुंचने में ही छत्तीस घंटे लग गए लेकिन अगर बुलाया गया तो काम जरूरी ही होगा हमको शायद फाइटिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी ट्रेनिंग नहीं वह जानकारी सीधे हमारी मेमोरी में फीट कर दी जाएगी तुम कहाँ से आए हो यार यहाँ पर तो सैकड़ों सुपर किड्स हैं अगर किसी ने हमको पहचान लिया तो कुत्तों के चबाने लायक हड्डियां भी नहीं बचेंगी चुप हो चुप रहो गुरु यहाँ पर सुपर किड एक दूसरे को ठीक से नहीं पहचान रहे हमको कौन पहचानेगा बस तुम अपना पसीना पहुंचते रहो और फिर सुपर किड्स आज वह एक चौथाई दुनिया तुम्हारी जय जयकार कर रही है जो तुम तुमसे मुनाफा कमाती है लेकिन वह बाकी तीन चौथाई आबादी जो लुट रही है वह किसी भी समय बगावत कर सकती है और बगावत से वह पूरा सिस्टम चरमरा कर गिर जाएगा जिसके बल पर हम दुनिया पर राज कर रहे हैं इसलिए यह जरूरी है कि तुम सबके अंदर बगावत को रोकने की क्षमता पैदा हो एक एक सुपर किड्स को पचास पचास आदमियों पर भारी पड़ना चाहिए इस वक्त दुनिया में एक ही शख्स है जिसके अंदर जापान का सुपर सीरियल किलर, खाशो ही तो अपने दिमाग में भरी फाइटिंग की गुप्त कला हारी हीरो के हर दाव को तुम्हारे दिमाग में ट्रांसफर कर देगा लेकिन हम तो अमर हैं हमको तो सारे बगावती मिलकर भी नहीं मार सकते तुम अमर जरूर हो लेकिन कोई भी चोट या घाव लगने पर तुमको दर्द होता है पर तुम बेहोश भी होते हो और तुम बेहोश भी होते हो यह ट्रेनिंग इसी स्थिति से बचने के लिए है तुमको सिर्फ अपनी टेबलों पर रखे ट्रांस मेमोरी मेमरीटो को अपने सिरों पर लगाना है और फिर यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी चलो चालू हो जाओ ये तो डीन है ना गुरु वही आदमी जो कहता है कि सुपर किड्स इसके अनाथालय के सुपर एजुकेशन सिस्टम की देन है वही है मैंने इसको टीवी पर देखा है और अगर इसकी यह योजना कामयाब हो गई तो सुपर किड्स को कोई नहीं रोक पाएगा और नागराज भी हमको कभी नहीं मिलेगा कहीं इन लोगों ने नागराज को मार तो नहीं डाला नहीं वो अभी जिंदा है मैं इस बात का एहसास कर सकता हूं अब सुनो मैं मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके ट्रांसमेरिटो के जरिए खाशो हीतों के दिमाग तक पहुंचूंगा और उसके दिमाग से हारी हीरो की सारी जानकारी को ही साफ कर दूंगा फिर ये सुपर किड्स उस जानलेवा और घातक कला को कभी नहीं पा सकेंगे प्रक्रिया शुरू हुई और क्या हो रहा है खासो ही गड़बड़ है कोई शक्ति मेरी मेमोरी के भाव को बाहर जाने से रोक रही है मुझे उस शक्ति को ढूंढकर उसे नष्ट करना होगा वह मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा है अब मुझे खास हुई तो कि मेमोरी को नहीं बल्कि इस पूरे यांत्रिक तंत्र को नष्ट करना होगा यह क्या हो रहा है केबल जल रहे हैं ट्रांस मेमोरिटो सड़े तरबूज की तरफ फट रहे हैं और यह सारी गड़बड़ी वहां से शुरू हुई है क्योंकि वह ट्रांस मेमोरीटो सही सलामत है कुछ गड़बड़ है उस सुपर किट को पकड़ लो अरे अरे तू तो गया अब मैं क्या करूं सिस्टम को ठीक करो गुरु तुम सिस्टम की मदद मतलब से खाशो ही तो को मारो, और मैं सुपर ओपर से नहीं जाना चाहिए। छोटा नागराज के बचने की उम्मीद ही थी क्योंकि वह एक था और अमर सुपर सैकड़ों की तादाद में थे लेकिन सुपर गिड्स की दो कमजोरियां उसे पता चल चुकी थी वे चोट का दर्द महसूस कर सकते थे और बेहोश हो सकते थे साइब्रो छोटा नागराज का इशारा समझ गया था यह मशीन मेमोरी ट्रांसफर करने के सिस्टम का केंद्र है सीआरवी यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको अगर मैं ठीक कर सकूं तो काम बन सकता है लेकिन छोटा नागराज के लिए बात बिगड़ती जा रही थी सुपर किड्स तो समुद्र की लहरों की तरह आते ही जा रहे हैं एक जगह पर खड़े रहकर इनका मुकाबला नहीं किया जा सकता मुझको और मोर्चे खोलने पड़ेंगे और फिर अरे कहाँ गायब हो गया कमखत कहीं इसमें कहीं हमसे डरकर तो नहीं गया डर कर भाग तो नहीं गया नहीं वह यहां पर है और यहाँ पर भी है एक साथ कई जगहों पर है छोटा नागराज यहां भी है गेट्स असंभव ये नहीं हो सकता इस इनमें से सिर्फ एक ही असली छोटा नागराज होगा लेकिन वह है कहाँ पर मैं यहां पर हूं वे सब तो मेरे मानस रूप है लेकिन उनके हर बार कोई अमर सुपर किड्स महसूस कर सकते हैं अब मुकाबला बराबरी का हो रहा था यह हमको पीट ले रहा है लेकिन हम इसको छू भी नहीं पा रहे हैं क्यों इसका एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है ये सारे छोटा नागराज सिर्फ एक प्रोजेक्शन है एक प्रक्षेपण मानसिक प्रक्षेपण और मानसिक प्रक्षेपणों को नष्ट करने का तरीका हमको सिखाया गया है हमको मेंटल एनर्जी की एक ऐसी फील्ड पैदा करनी होगी जो छोटा नागराज के मानस रूपों को अपने अंदर खींच ले छोटा नागराज के मानस रूप बुलबुलों की तरह फटने लगे और अभी भी ध्यान में डूबे छोटा नागराज को इस बदले घटनाक्रम का एहसास नहीं हो पा रहा था अनगिनत खतरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे और कोई उन खतरों की तरफ बढ़ रहा था याद के गोले कहां से आ रहे हैं चलिए दोस्तों वीडियो का यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं छोटा नागराज के चौथे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद